हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस बारी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मीशो से कुछ कुर्तीज। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे हो नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर देना। सो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी वीडियोज पे ना अभी गिव अवे चल रहे हैं, तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी ना उसका जो विनर था वो मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगी। बट उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वाली वीडियो में कोई भी गिव अवे मैंने नहीं रखा हुआ, तो विनर जो होगा मैं लास्ट में बता दूंगी। फिलहाल अभी मैं आपको कुर्तीज दिखा देती हूँ जो कुर्तीज मैंने मीशो से ऑर्डर करी है। तो इनकी जो प्राइस की अगर बात करूँ ना, सो प्राइस आपको मिल जाएगी लाइक मोस्टली जितनी भी कुर्तीज मैंने ऑर्डर करी है ना लाइक 350 से सारी की सारी जो नीचे वाली कुर्ती है। सो मैं आपको सबसे पहले वाली कुर्ती दिखा देती हूँ अपनी, और ये वाली कुर्ती ना मुझे एक्चुअली काफी अच्छी लग रही थी। एंड इसमें ना एक ही साइज आपको मिलेगा, लाइक इसमें बहुत सारे साइजेस नहीं है, तो अगर आपका साइज लार्ज है तो डेफिनेटली आप लोग ये वाली कुर्ती जो है ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ एंड इसकी जो ओरिजिनल पिक्चर होगी ना वो मैं यहाँ पे साइड पे लाइक ऊपर लगा दूंगी यहाँ पे, तो आप लोग देख लेना। एंड इनको अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा हुआ, तो मैं वीडियो जो होगी ना साइड पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग वो भी देख लेना। सो ये है मेरी फर्स्ट कुर्ती एंड इसका ना प्रिंट मुझे काफी अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ सबसे पहले, तो अभी मैं इसको ओपन कर लेती हूँ बिकॉज मैंने इनको खुद ट्राई नहीं करा हुआ अभी। सो ये है मेरी फर्स्ट कुर्ती एंड अगर मैं बात करूँ ना तो लाइक लेंथ अच्छी है इसकी, अभी तक तो मुझे कुर्ती काफी अच्छी लग रही है। तो मुझे जो इसका अच्छी चीज लगी थी ना सबसे ज्यादा वो इसकी थी स्लीव्स पे जो ये प्रिंट था ना, मुझे ये चीज बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी एंड स्पेशली इसका प्रिंट मुझे काफी अच्छा लग रहा था। लाइक ब्लू, लाइट सा ब्लू कलर है और थोड़ा सा व्हाइट का बीच में प्रिंट है। तो मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे ना आपको इस तरह का नेक मिल जाएगा अगर आप लॉन्ग फ्रंट से देखोगे ना, सो इस तरह का नेक आपको मिल जाएगा। शॉर्ट यहाँ पे ना आपको कॉलर मिल जाएगा। स्लीव्स आपको दिखा देती हूँ, आप लोग स्लीव्स भी देख सकते हो एंड बैक से भी दिखा देती हूँ। बैक से एकदम प्लेन है ये और नीचे से भी एकदम प्लेन है, तो लाइक कुछ भी एक्स्ट्रा लाइक आपको बॉर्डर नहीं मिलेगा कुर्ती में। बॉर्डर जो आपको मिलेगा ना वो जस्ट स्लीव्स पे मिलेगा, तो जैसा वेबसाइट पे था ना एग्जैक्टली सेम आई है। और इसका ना फैब्रिक मुझे काफी अच्छा लगा, तो साइज इसमें सिर्फ लार्ज था, आपको दूसरा साइज नहीं मिलेगा इसमें। और प्राइस की अगर बात करूँ ना, ये इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी थी 263 रुपीज की पड़ी थी। सो डेफिनेटली आप लोग ना ये वाली कुर्ती ले सकते हो। बाकी पहनने के बाद अभी ये कैसी लगेगी वो मैं आपको यहाँ पे साइड पे जो है वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देखना कि आपको ये कुर्ती लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट कुर्ती मैंने ऑर्डर करी थी ना मीशो से, ये ग्रीन कलर की थी एंड बीच में थोड़ा सा येलो कलर भी आपको मिल जाएगा। सो इसकी प्राइस भी 263 रुपीज की पड़ी थी। एंड अगर गाइस आपको कुछ भी पूछना हो रिलेटेड टू कुर्तीज तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी। सो ये थी मेरी सेकंड कुर्ती जो मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी एंड बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड अभी जो फर्स्ट कुर्ती मैंने आपको दिखाई ना उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। सो नेक्स्ट थी ये वाली और इसकी जो भी ओरिजिनल पिक्चर होगी आप लोग साइड में देख लेना। सो इसका ना मुझे कलर एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा था, तो मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ। सो ये है वो कुर्ती और इसका फ्रंट में आपको दिखा देती हूँ। सो लेंथ की अगर बात करूँ, लेंथ अच्छी है, जैसे ही शॉर्ट कुर्तीज की लेंथ होती है ना वैसे ही लेंथ है इनकी। सो आप लोग फ्रंट इसका देख लो। सो यहाँ पे ना आपको इस तरह का वी नेक लाइक शॉर्ट सा यहाँ पे एक वी मिल जाएगा और इस तरह का नेक आपको मिलेगा। बैक से एकदम राउंड में है ये और स्लीव्स इसकी सिंपल है, बस आप प्रिंट देख लो। ओवरऑल जो कुर्ती है ना उस पर इसी तरह का प्रिंट हो रखा है। सो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक सी कुर्ती है, तो आप लोग डेफिनेटली ये वाली कुर्ती भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसकी प्राइस काफी अफोर्डेबल है और मुझे इसका प्रिंट काफी अच्छा लग रहा था। पहनने के बाद कैसी लगेगी वो मैं आपको साइड में दिखा दूंगी। सो अगर इसमें साइजेस की अगर बात करूँ, सो इसमें आपको स्मॉल से लेके डबल एक्सएल तक साइज मिल जाएंगे एंड कॉटन की कुर्ती है। पहनने के बाद लुक कैसी आएगी वो मैं वीडियो साइड में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। सो 263 रुपीज की मुझे ये कुर्ती पड़ी थी एंड अभी तक तो मैं इसको रेकमेंड कर रही हूँ। बाकी पहनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि कुछ इशू है तो मैं नीचे यहाँ पे लिख दूंगी, सो आप लोग साइड में देख लेना। मुझे तो लाइक कपड़े की क्वालिटी वगैरह सारी चीजें काफी अच्छी लग रही है और मैंने जो अपना साइज ऑर्डर करा था इसमें लार्ज साइज ऑर्डर करा था एंड इससे पहले वाली जो मैंने आपको दिखाई उसमें भी मेरा साइज जो था लार्ज था। ठीक है, सो अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी थर्ड कुर्ती जो मैंने ऑर्डर करी थी। ये वाली कुर्ती ना मुझे काफी अच्छी लग रही थी, लाइक व्हाइट कलर की कुर्ती है ये और ये लखनऊ चिकनकारी कुर्ती है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी ना पैकेजिंग काफी अच्छी थी, लाइक अभी तो मैंने इसको ओपन करके देख लिया था, तो आप लोग इसकी पैकेजिंग देखोगे तो ऐसे ही एक सील्ड रैप में मुझे आई थी, तो आप लोग पैकेजिंग इसको देखो, पैकेजिंग काफी अच्छी है इसकी। सो अभी मैं आपको ये कुर्ती दिखा देती हूँ, ना व्हाइट एंड पर्पल कलर की, तो मैं आपको कुर्ती दिखा देती हूँ। आप लोग कुर्ती देखो और पूरा लाइक इस पे ना आगे का जो नेक है ना, मुझे इसका नेक काफी अच्छा लग रहा था। सो आप लोग कुर्ती देखो, इस पे ना प्रिंट काफी अच्छा लग रहा है, लाइक ओवरऑल आपको ना आगे से यहाँ तक पूरे यहाँ पे ना कढ़ाई मिल जाएगी देखने को एंड कढ़ाई ना बहुत अच्छी है, लाइक
फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कपड़े का मटेरियल इतना सॉफ्ट है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। और स्लीव्स आप लोग देखो, स्लीव्स पे भी आपको यहाँ पे ना थोड़ी बहुत ही जो है कढ़ाई मिल जाएगी। एंड ये एकदम ना प्योर कॉटन की जैसे कुर्ती होती है ना, इसमें गर्मी आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। प्राइस की अगर बात करूँ तो इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 345 रुपीज। एंड आपको साइजेस इसमें मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्सल तक आपको साइज मिल जाएंगे। एंड मैंने जो अपने लिए साइज ऑर्डर करा था, लार्ज साइज ऑर्डर करा था, सो बैक से ना एकदम प्लेन है, और फ्रंट में जो भी आपको कढ़ाई मिलेगी ना वो फ्रंट में मिलेगी, बैक पे आपको बिल्कुल भी कढ़ाई देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट में आपको नेक एरिया पे मिल जाएगी, लाइक पूरा यहाँ तक आगे का पोर्शन कवर है, और आपको नीचे पे भी जो ना कढ़ाई देखने को मिलेगी इस तरह की। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, तो आप लोग पास से देख सकते हो एकदम। सो ये ना पर्पल कलर है, लाइक व्हाइट एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन है, जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जितनी भी आप कुर्तियां मैंने अभी आपको दिखाई है ना, तो इसको आप ऑफिस वगैरह में पहन सकते हो इजिली, बहुत प्यारी लगेंगी। सो मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट कुर्ती। एंड इस कुर्ती का ना ऑलरेडी लाइक मैंने स्टाइल करा था, एंड मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, तो वहां पे मुझे किसी ने पूछा था कि आपने ये कुर्ती कहाँ से ली, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये कुर्ती मैंने मीशो से ली थी। सो ये है वो कुर्ती, एंड ये लाइक पिंक कलर होता है ना, रानी पिंक कलर, उस कलर की कुर्ती है। एंड इसमें ये स्काई ब्लू कलर के ना छोटे छोटे से लाइक फ्लावर बने हुए हैं, तो इसका जो प्रिंट है ना लाइक डिजिटल प्रिंट होता है ना वैसा है। अभी धोने के बाद आई डोंट नो कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको मैंने अभी तक वॉश नहीं करा, बट ये सभी जैसे राखी आ रही है, तो डेफिनेटली आप लोग ये वाली कुर्ती जो है ट्राई कर सकते हो। सो ये है मेरी लास्ट कुर्ती। एंड लेंथ की बात करूं तो लेंथ जितनी कुर्ती होती है लाइक शॉर्ट कुर्तीज की होती है ना, उतनी लेंथ है इसकी, बाकी पहनने के बाद मैं आपको दिखाई दूंगी। सो मैं आपको पास से इसका प्रिंट दिखा देती हूँ, आप लोग इसका प्रिंट देख सकते हो एकदम, और यहाँ पे आपको मैं कुर्ती भी दिखा देती हूँ। राउंड नेक मिलेगा, एंड फ्रंट में ना यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का छोटा सा यहाँ पे कट, लाइक ओवरऑल ये ओपन, लाइक पूरी ओपन नहीं होती है, बस यहाँ से थोड़ी सी ओपन है ताकि आप इजिली जो है इसको पहन सको। स्लीव्स आपको दिखा देती हूँ, स्लीव्स इस तरह की आपको मिल जाएंगी, और यहाँ पे ना ये कुछ कनारी लगी हुई है, सो यहाँ पे ना कुछ लेस लगी हुई है गोल्डन कलर की। एंड फ्रंट में भी आपको यहाँ पे जो है गोल्डन कलर की जो लेस है ना नेक पे देखने को मिलेगी ओवरऑल। और बैक से मैं आपको दिखा देती हूँ, बैक से एकदम प्लेन है ये कुर्ती। सो मुझे जो कुर्ती थी ना इस बारी की, लाइक सारी कुर्तीस मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी सो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना। एंड जो पिंक वाली कुर्ती मैंने आपको दिखाई है ना, इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 327 रुपीज। तो जितनी भी कुर्तीज मैंने आपको दिखाई ना, मोस्टली सारी कुर्तीज जो है 350 से बिलो है, और जो व्हाइट वाली कुर्ती थी ना उसकी प्राइस सिर्फ 345 रुपीज पड़ी है, एंड बाकी की सबकी कॉस्ट जो है ना 340 लाइक 350 से नीचे की है। तो सारी कुर्तीज बहुत अच्छी हैं, आप लोग डेफिनेटली ये वाली कुर्तीज जो है ट्राई कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपको कुछ पूछना हो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं वहां पे आपको फटाफट से जो है रिप्लाई कर दूंगी। सो मुझे तो सारी कुर्तीज बहुत अच्छी लगी, एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये वाली कुर्तीज जो है मीशो से ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज इनकी क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी लगी अभी तक तो मुझे। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी ना उसमें विनर कौन था, तो उनका नाम है भावना, और उनका जो भी स्क्रीनशॉट होगा ना मैं यहाँ लगा दूंगी। सो कांग्रेचुलेशंस डियर, और ये मेरा लास्ट गिव अवे था। सो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट गिव अवे कब करूंगी वो मैं आपको अपडेट दे दूंगी, बट इस वाली वीडियो में कोई भी गिव अवे नहीं है। सो आप लोग मुझे ऐसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। और एक चीज और बता दूं कि इसमें ना मैंने एक कुर्ती और ऑर्डर करी हुई थी, बट अभी तक वो मुझे कुर्ती सेव नहीं हुई है, तो वो कुर्ती की ना मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, लाइक शॉर्ट्स में डाल दूंगी। वो ब्लैक कलर की कुर्ती मैं भी आपको बता देती हूँ, एंड वो कुर्ती भी ना बहुत प्यारी है, तो अगर जैसे मुझे मिलेगी तो उसका ना मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के जो है अपने शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। सो आई होप आपको ये हॉल भी अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड हमेशा की तरह आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।